समुद्र, पहाड़, महासागर, जंगल, ये ऐसी जगहों के नाम हैं जो ज्यादातर लोगों की छुट्टी के लिए मनपसंद जगह होती है। हालांकि कुछ लोग कहीं और भी घूमने जाना चाहते होंगे, लेकिन हम गारंटी से ये बात बोल सकते हैं कि कोई भी किसी जेल में छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाना चाहेगा। जेल में छुट्टी चौक गए ना, मगर चौकिए मत, ये सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में असल में कुछ जेल ऐसे हैं जो टूरिस्टों के लिए यात्रा के लायक हैं। हालांकि इनमें से कुछ में अब कैदी नहीं है और आम जनता के लिए ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर खोल दी गई है। तो चलिए आपको उन जेलों के बारे में बताते हैं जहां आप एक टूरिस्ट के तौर पर जा सकते हैं। राजामुंद्री सेंट्रल जेल। सन 1602 में डचों ने इस जेल का निर्माण किले के रूप में करवाया था। राजामुंद्री सेंट्रल जेल भारत की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। 1864 में इस किले को जेल में बदल दिया गया था। आपको बता दें कि ये जेल 196 एकड़ में फैली है। तिहाड़ जेल। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ये जेल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। सन 1957 से तिहाड़ कुख्यात कैदियों का घर बना हुआ है। भारत की ये जेल इसलिए और मशहूर है क्योंकि इनमें नेता से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन भी रह चुके। तिहाड़ में आप जेल कैंटीन के साथ जेल के कुछ इलाके घूम सकते हैं। हिजली जेल। पश्चिम बंगाल में स्थित हिजली जेल को हिजली डेस्टिनेशन कैंप के तौर पर 1930 में बनाया गया था। भारत की आजादी की यात्रा में इस जेल का बहुत बड़ा योगदान है। अभी ये जेल IIT खड़गपुर के कैंपस में स्थित है। IIT खड़गपुर आने वाले टूरिस्ट इस जेल में घूम सकते हैं। सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप। अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई थी। मगर अब आप भी इस जेल में घूम सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप यहां घूम सकते हैं। यहां लाइट और साउंड शो भी होता है। वाइपर आइलैंड की जेल। दूसरे जेलों की तरह गैलोस वाइपर आइलैंड पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल की तरह फेमस नहीं है, मगर भारत की आजादी की लड़ाई में इस जेल का बहुत बड़ा योगदान है। अब इस जेल को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।